वेलकम कल्पना किचन में आपका स्वागत है सभी को। जय जिनेन। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चीज गार्लिक ब्रेड। तो शुरू करें। यहाँ पर मैंने गैस पे एक फ्राई पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ पर मैं एक टीस्पून बटर ले रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें हाफ टी स्पून ये गार्लिक लहसुन डाल दे रही हूँ। इसको बिल्कुल फ्लेम को धीमा कर दिया है। अब मैं इसमें ब्रेड को जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ मैंने इसको फैला लिया है और फ्लेम को अभी मैं 2 मिनट के लिए बंद कर दूँगी और इसमें ये ब्रेड रख दूँगी। अभी बहुत गर्म है। थोड़ी इसमें भी ब्रेड डाल देंगे, बटर डाल देंगे। अब फिर से गैस को ऑन कर लूँगी, थोड़ी गर्म होने लगे। अब इसमें चारों तरफ चीज़ डाल देंगे। ये थोड़ी मेल्ट होने लगे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। इसको इस तरफ को थोड़ा सा पलट देंगे। ये देखिए, और गैस को बंद कर देंगे ताकि बंद गैस में धीरे धीरे होता रहे। ये देखिए, खूब अच्छा मेल्ट हो गया है। ये अब इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा ये ऑरिगैनो डाल देंगे। ये देखिए, इसको फिर से फ्लेम को चालू कर लेंगे और बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये खूब अच्छे से सिक जाए। ये देखिए, हमारा चीज खूब अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसको अभी निकाल दे रही हूँ। अब मैं एक दूसरा बैच बनाने के लिए बटर को डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ी सी लहसुन डाल देंगे। अब मैं जहाँ जहाँ पे रखना है वहाँ पे फैला देंगे। ये देखिए,
ये, और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। ये चाकू से थोड़ा थोड़ा बटर डाल के फैला देंगे। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो करनी है ताकि नीचे साइड जले नहीं। ये देखिए, नीचे खूब अच्छी हो गई है। अब इसको मैं 2 सेकेंड के लिए पलट दे रही हूँ। ये देखिए, इस साइड खूब अच्छा हो गया है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब गैस ऑन कर देंगे स्लो में। ये देखिए, खूब अच्छे से मेल्ट हो गई है। और इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इसमें थोड़ी ज़्यादा हो गई है, फैला दें। ये देखिए, और थोड़ी सी मिक्स हब डाल देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया हो गई है। अब मैं इसकी आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। गैस को ऑफ कर दिया है। ये देखिए, मेरी चीज़ गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। आप भी मेरी रेसिपी को मेरे अनुसार बनाइए। ये देखिए, इस तरफ देखिए, इस तरफ कितनी बढ़िया सिकी हुई है। आप भी मेरी रेसिपी को मेरे अनुसार बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय जिने